चलो ये हमारी थर्ड मेथड होगी, नोडल मेथड शॉर्ट सर्किट्स के लिए। तो ये नोडल मेथड क्या होती है? नोडल मेथड में आपको ढूंढना होगा कि कहाँ पे कोई वायर में बीच में मिक्स, जब वो मिक्स कनेक्शन होते हैं ग्रुपिंग रेजिस्टेंस में, पैरेलल सीरीज इस तरह से मिक्स कनेक्शन, उसमें कोई वायर जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है। मान लो इस तरह से यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस R, यहाँ पे होगा ये 2R, यहाँ पे होगा ये R, यहाँ पे ये R, और यहाँ पे होगा ये R। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A और B। यहाँ पे जैसे ही मैं A से निकलूंगा तो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल होगा VA, करंट ये साइड जा रहा है, करंट I ये साइड जा रहा है, मेरा पोटेंशियल होगा VA। फिर जैसे ही रेजिस्टेंस बीच में आएगा तो IR जितना पोटेंशियल यहाँ पे लॉस हो जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और I into 2R जितना पोटेंशियल यहाँ पे लॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, फिर I into R जितना पोटेंशियल यहाँ पे लॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आगे बढ़ूंगा और IR जितना पोटेंशियल फिर से लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे जब पहुंचूंगा तब मेरे पास होगा पोटेंशियल VB। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल होगा VB। तो यहाँ V से मैं निकला और VB तक D तक पहुंचा, तब बीच में ये सभी रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल लॉस हुआ है, तो VB कम होगा, VB B के पास पोटेंशियल कम होगा। ये सिंपल सी एक सर्किट है। लेकिन मान लो एग्जाम में आपको एक वायर इस तरह से दे दिया है, ये एक वायर दे दिया इस तरह से, ये जो वायर दे दिया है, ये वायर आप देखो यहां पे होगा क्या, जब करंट यहां तक पहुंचेगा तब ये और ये एंड, यहां पे मान लो इसको मैं एक्स बोल रहा हूं, यहां पे मान लो इसको मैं वाई बोल रहा हूं, तो करंट के पास आगे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक यहां पूरा घूम के जाए और एक डायरेक्ट स्ट्रेट जाए। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज देखना, जब भी करंट के पास इस तरह के दो या तीन या चार रास्ते होते हैं, लेकिन अगर कोई रास्ता डायरेक्ट है, डायरेक्ट देखो यहां एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट वायर जॉइंट है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट वायर है, तब करंट स्ट्रेट यही रास्ते से चला जाएगा, ऊपर का रास्ता यूज ही नहीं करेगा, ऊपर का जो रास्ता है 2R और R ये यूज ही नहीं होगा, ये कोई काम का ही नहीं है, करंट चला जाएगा डायरेक्ट, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, X और Y के बीच में आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट एक वायर ज्वाइंट कर दिया। तो होगा क्या, ये X के पास पोटेंशियल Vx होगा तो Y के पास पोटेंशियल भी Vx ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो पोटेंशियल X के पास होगा वही पोटेंशियल Y के पास होगा, क्यों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, आपने डायरेक्ट वायर ज्वाइंट कर दिया है, पहले ये एक्स वायर नहीं था, पहले करंट को कंपलसरी ऊपर से जाना था, लेकिन जैसे ही आपने एक्स वाई वायर ज्वाइंट कर दिया तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, एक्स और वाई के बीच में करंट स्ट्रेट सीधा ही जाएगा और वो करंट यहां पे आ जाएगा स्ट्रेट, ऊपर का रास्ता वो यूज ही नहीं करेगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर का रास्ता कब यूज होगा, मान लो एक्स और वाई के बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस रख दिया, एक्स और वाई के बीच में कुछ भी थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस रख दिया, तब करंट ऊपर भी जाएगा और स्ट्रेट भी जाएगा, तब दोनों रास्ते करंट यूज करेगा। लेकिन अगर सिर्फ वायर है एक्स और वाई के बीच में, सिर्फ डायरेक्ट वायर, तो करंट ऊपर का रास्ता यूज नहीं करेगा। तो ये एक्स और वाई के बीच में आपने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। तो अगर आपको इस तरह की सर्किट दी है तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई पूछे तो ये R रेजिस्टेंस और ये दूसरा R रेजिस्टेंस, ये R और यहां पे ये R, तो ये हो गया A, ये हो गया B, समझ में आ रहा है, ये हो गया A, ये A और ये B, बीच में सिर्फ दो R है, तो
resultant resistance between A and B equals to R plus R equals to 2R ohm. Finished. समझ में आ रहा है? तो अगर एग्जाम में आपको इस तरह की सर्किट देते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट कोई कनेक्शन नोडल मेथड आप यूज करके आप सोच सकते हो, कोई भी सर्किट में इस तरह की शॉर्ट सर्किट है तो आप वो ये ऊपर वाले ये रास्ते मीन्स इस तरह के रास्ते का यूज नहीं करोगे। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ, देखो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ। देखो मान लो मैं इस तरह से आपको एक सर्किट दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे है ये रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे है ये तीसरा, ये फोर्थ, ये पूरी सर्किट है। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे है ये 5 ओम, यहाँ पे है 1 ओम, यहाँ पे है 2 ओम, फिर यहाँ पे दे दिया है ये 6 ओम, और यहाँ पे आगे है मान लो 4 ओम, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, इस तरह की एक सर्किट है। ये सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल नोडल मेथड यूज करोगे आप। तो यहाँ पे ये सर्किट दिए मैंने तो आपको करंट का पाथ दिखेगा, क्या दिखेगा? मान लो यहाँ पे करंट आई आ रहा है, करंट आई, तो ये करंट ऊपर जाएगा, यस, ये करंट ये 5 और 1 ओम में भी जाएगा, यस, और ये करंट 2 ओम में भी जाएगा, यस। तो ये करंट आई है उसमें से कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा, कुछ पोर्शन 5 और 1 में जाएगा, कुछ पोर्शन 2 में जाएगा, फिर 2 में से आने वाला 5 और 1 में से आने वाला और ऊपर के 2 और 3 में से आने वाला करंट फिर टोटल होके फिर से आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको सोल्व करना है तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको एक और वायर दे दिया, एग्जाम में आपको एक और वायर दे दिया है, इस तरह का वायर, इस तरह का वायर दे दिया। तो ये वायर आप देखो, ये वायर जो आप देख रहे हो वो क्या दिखाता है? शॉर्ट सर्किट। तो ये बीच में जितना भी ये झमेला है करंट इसमें से पास ही नहीं होगा, करंट तो डायरेक्ट क्या करेगा? अगर मैंने डायरेक्ट इस तरह का दे दिया है, देखो ये वायर में एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये वायर में एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट क्या करेगा? जो भी यहां से निकला वो करंट तुरंत यहां पे ही आ जाएगा, तुरंत यहां पे आ जाएगा और करंट तुरंत यहां से चला जाएगा। तो 6 और 4 का यूज होगा, लेकिन ये बीच में जो भी जमेला आप देख रहे हो इसमें से करंट पास ही नहीं होगा, इसमें से करंट पास ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो करंट यहां से निकलेगा, 6 और 4 दोनों का यूज होगा, तो 6 और 4 मिला के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा 6 और 4 10 ओम। फिनिश। ये हो गया नोडल मेथड।